नमस्कार दोस्तों, बीआर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मोटापा आजकल सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। आज की आबादी का बड़ा हिस्सा सामान्य से ज्यादा वजन लगता है। कारण ये है कि आजकल जिंदगी में शारीरिक कसरत कम हो गई है और हम शारीरिक रूप से हमेशा आराम की स्थिति में रहते हैं। लेकिन एक सवाल कि शादी के बाद ज्यादातर लोग मोटे क्यों हो जाते हैं? बहुत से लोगों के लिए ये बात राज की बात है कि आखिर शादी के बाद लोग मोटे क्यों हो जाते हैं। अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है तो आज आपको उसका उत्तर मिलने वाला है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ता है और वो शादी के बाद थोड़ी मोटी हो जाती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो लोग शादी के बाद जितना खुश होते हैं उनके मोटे होने की उतनी ज्यादा संभावनाएं होती हैं। शादी के बाद बढ़ने वाले मोटापे पर जितनी भी स्टडी हुई हूं, लेकिन इनसे ज्यादातर तस्वीरें साफ नहीं हो पाती हैं। शादी के बाद यदि आपका या आपके पार्टनर का मोटापा बढ़ा है तो इसका उपाय आपको हम बताते हैं, वो भी आयुर्वेद की दृष्टि से। तो आइए जानते हैं कैसे रोके मोटापा। सुबह सुबह चावलों के गर्म गर्म पानी यानी कि मांड को नमक मिलाकर पिए तो मोटापा जरूर कम हो जाएगा। दूसरा उपाय की तरफ चलते हैं, गिलोय। गिलोय का चूर्ण और त्रिफला, इन दोनों को 3-3 ग्राम लेकर सुबह शाम शहद में मिलाकर चाटना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका मोटापा कम होने लगेगा। रोजाना सुबह को 1 गिलास पानी में करीब 20 ग्राम शहद मिलाकर पिया करें तो आपका मोटापा दिन प्रतिदिन कम होता चला जाएगा। ये है कुछ सटीक उपाय जो आप घर में भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि केवल ये उपाय करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा सा बदलाव करना ही पड़ेगा। प्रातःकाल सुबह उठकर रोजाना 1 किलोमीटर तक की वॉक करना जरूरी है और किसी भी एक उपाय को आप डेली कर सकते हैं और निश्चित आपका मोटापा जरूर कम हो जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।